नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज एक गुड न्यूज़ है। आज पहली बार ऐसा हुआ है, आज डेट है 28 जून 2023, और आप देख रहे हैं ये यूट्यूब का हमारा चैनल। और आज की गुड न्यूज़ ये है कि पहली बार सेंसेक्स ने 64,000 और निफ्टी ने 19,000 का जो बैरिकेड है वो पार किया है। यानी कि आज सेंसेक्स 64,000 को पार कर गया और निफ्टी 19,000 के पार हो गई। तो ये बड़ी और अच्छी न्यूज़ है। आज 28 जून 2023 में बाजार में आप देख रहे होंगे कि मार्केट के अंदर ताबड़तोड़, मतलब रिकॉर्ड तोड़ शुरुआत हुई, और उसी के बीच में ये सब हुआ है। तो ये गुड न्यूज है, एक अच्छी बात है। और इस सीरीज में मैंने अब प्लान किया है कि डेली बेसिस पर मैं आपको एक स्टॉक, ऐसा स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो बेस्ट स्टॉक होगा फॉर 2023 एंड 2024 के लिए, यानी कि 2023 से 2024 तक के लिए। अगर आप प्लान कर रहे हैं किसी भी ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का जिससे अच्छे रिटर्न्स आपको मिल पाए, साथ के साथ आप लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करने अगर इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करें, किस स्टॉक में करें, तो मैं रोज अभी एक नई सीरीज आज से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके चलते मैं आपको डेली इंडियन स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा। और वो स्टॉक स्पेशल स्टॉक्स ही होंगे जिसमें आपको अच्छे रिटर्न्स बनाकर देने की पोटेंशियल होगी, उन जिस स्टॉक के अंदर अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा होगी। उस तरह के स्टॉक की सीरीज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। डेली एक आएगा, एक स्टॉक पर वीडियो पर डे आपको मिलने वाली है। इसी सीरीज में पहला स्टॉक मैंने लिया है जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। तो आप सभी जानते हैं जेपी पावर का जो स्टॉक है वो 6 रुपये 5 पैसे, 6 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, काफी दिनों से स्ट्रगल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस स्टॉक के बारे में सभी लोगों को ये लगता है कि एक दिन ये स्टॉक या किसी दिन बहुत तेजी के साथ में इस पावर सेक्टर के स्टॉक में भी सेम पावर कंपनीज के जैसे दूसरे स्टॉक्स हैं उसी तरह की तेजी आ सकती है। तो वो तेजी कब आएगी, कैसे आएगी या कितने दिनों में आने वाली है? और हाँ, एक स्पेशल बात कि अगर आपने पहले से इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट बनाया हुआ है या किया हुआ है और आप अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। आप समय निकाल करके पूरा वीडियो सुनेंगे तो आपको जरूर फायदा होगा। हम बात करेंगे इस वीडियो में जेपी पावर वेंचर के स्टॉक के बारे में। जैसा आप जानते हैं जेपी पावर वेंचर के बारे में चर्चाएं जोरों पर हैं, हालांकि कंपनी की तरफ से बहुत अच्छे कोई ऐसी स्पेशल या गुड न्यूज़ देखने को नहीं मिलती है। बट हम आज से शुरुआत करते हैं, तो आज की बात करेंगे 28 जून 2023 में। ये इसका जो ओपनिंग प्राइस था करीब 6 रुपये 5 पैसे पर ये खुला है, और आप देखेंगे तो पर डे यानी कि आज पूरा दिन में करीब 1.67% की इसमें तेजी देखने को मिली है, यानी कि 1.67% इसमें उछाल आया है। अब अगर डेली बेसिस पर आप नोट करेंगे तो ये अगर लास्ट टाइम का अगर इसका आप प्राइस चेक करें, लास्ट टाइम में ये क्लोज जो हुआ था तो उसका क्लोजिंग टाइम प्रीवियस का जो रहा है वो 6 रुपये रहा है, और आज ये 6 रुपये से बढ़कर आप देखें तो 6 रुपये से बढ़ा हुआ है और 6 रुपये 10 पैसे के प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। जहाँ तक वॉल्यूम की बात है, वॉल्यूम भी इस स्टॉक की ट्रेडिंग का अच्छा रहा है और टोटल ट्रेड वैल्यू भी इसकी अच्छी रही है, करीब करीब 18.5 करोड़ के आसपास की ट्रेड वैल्यू पर इसकी बनी है। अपर सर्किट की बात करेंगे तो अपर सर्किट इसका 720 रहा है, और लोअर सर्किट की बात करें तो 4 रुपीज़ 80 पैसे रहा है। 52 वीक्स की मैं बात करूंगा तो 5 रुपये 15 पैसे इसका लो रहा है, और 52 वीक्स में अगर हाई की बात करेंगे तो 9 रुपये 45 पैसे यानी कि 9 रुपीज़ 45 पैसे इसका हाई रहा है। तो ये तो रहा इसका बेसिक परफॉर्मेंस इस स्टॉक की। अब बात करते हैं इस स्टॉक के फंडामेंटल की। आप जानते होंगे कंपनी, वैसे अगर फंडामेंटली देखें तो कंपनी का मार्केट कैप बहुत बड़ा है, करीब 4,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है, क्योंकि इसके ऊपर कंपनी के ऊपर डेट है, बहुत सारे और भी रीज़न इनके हैं, केस चल रहा है कंपनी में, तो उसके सबके चलते स्टॉक की परफॉर्मेंस अभी डाउन है। बट ये आने वाले टाइम में नो डाउट ये बहुत तेजी के साथ में रिजल्ट आपको दे इसमें चेंज होते हुए दिख जाएंगे। आगे मैं बात करूँगा कमिंग 14 डेज यानी कि 2 वीक्स, और 2 वीक्स के अंदर आप देखेंगे कि इसका अपसाइड और डाउनसाइड क्या रहने वाला है, जिससे आपको स्थिति और भी क्लियर होगी। डेली बेसिस पे अभी मैं बताना ठीक नहीं समझता हूँ, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट डेली बेसिस पर अगर आप लोग लिखेंगे तो जरूर मैं डेली बेसिस पर भी बताना शुरू कर देंगे। इतना समय वीडियो में, छोटी वीडियो होती है तो उतना समय इसमें होता भी नहीं है, क्योंकि टू द पॉइंट बात करना और उसके लिए थोड़ा ज़्यादा समय चाहिए होता है, करीब अगर 15-20 मिनट की वीडियो अब आज कौन सुनना पसंद करेगा या किसके पास इतना टाइम है। तो आप लोगों का सभी का टाइम कीमती है, कम समय में ज़्यादा बात आपको पता चलना चाहिए। जेपी पावर वेंचर का ये स्टॉक अगर वन लाइन में कहूँगा, अगर लंबे समय के लिए आप प्लान कर रहे हैं 2023 से 2024 के लिए, अगर 2024 तक अगर आपका टिकने का इसमें मन है तो नो डाउट ये कंपनी आपके लिए एक अच्छा और वेरी गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, और इसमें लॉन्ग टर्म अगर आप प्लान करेंगे तो बहुत अच्छे इसके रिटर्न्स आपको मिलने वाले हैं।
जेबी पावर में अगर आपने पहले से इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो मैं आपको अभी बता दूं कि अगर आपने किसी हाई प्राइस पर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो अपने प्राइस को फिलहाल एवरेज कर लीजिए। ये वही प्राइस है जिस पर आपको एवरेज कर लेना चाहिए अपने प्राइस को, अदरवाइज आपको आगे शायद वो मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि 6 रुपये 10 पैसे, 6 रुपये 5 पैसे या 6 रुपये के आसपास अभी ये चलने वाला है, तो इसके चलते ये प्राइस आपको दोबारा शायद ना मिल पाए और अपने उस प्राइस पे आप उसको एवरेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कमिंग 2 वीक्स की, तो कमिंग 2 वीक्स के अंदर मैं इसका अपसाइड और डाउनसाइड बता देता हूं। अपसाइड में अगर आप देखेंगे 6 रुपये 85 पैसे कमिंग 2 वीक्स के अंदर ये आपको अपसाइड में देखने को मिल जाएगा, 6 रुपये 85 पैसे, 6 रुपये 90 पैसे। और डाउनसाइड की बात करेंगे तो 5 रुपये 80 पैसे के आसपास आपको कमिंग 2 वीक्स के अंदर डाउनसाइड देखने को मिल जाएगा। तो ये हाईएस्ट और लोएस्ट पॉसिबल प्राइस की प्रेडिक्शन कमिंग 14 डेज के लिए है, यानी कि आने वाले 2 सप्ताह के लिए है। अब बात करते हैं इसके स्टॉक में अर्निंग पोटेंशियल की। एक चीज़ हमने इस वीडियो में नहीं जोड़ी है, और भी डिटेलिंग हम बढ़ाएंगे, और डिटेलिंग के साथ में मैं आपको और भी ज़्यादा अगली वीडियोस से मैं कुछ कोशिश करूंगा कि और भी आपको डिटेल ज़्यादा दिया जाए स्टॉक के बारे में। अगर अर्निंग पोटेंशियल की बात करें तो साल के अंदर अगर 2023 की बात करेंगे तो ये स्टॉक आपको 40% से ज़्यादा का अर्निंग पोटेंशियल बना के देने वाला स्टॉक है, ऐसा इस स्टॉक की एनालिसिस कहती है। तो आप इस स्टॉक में अगर नए हैं या नया स्टॉक कोई देख रहे हैं जो आपको 10 रुपये की रेंज से नीचे के प्राइस में मिलने वाला है तो उस सेगमेंट में आप जेपी पावर के स्टॉक को देख सकते हैं। लेकिन कोई भी नया इन्वेस्टमेंट करेंगे तो सबसे पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार सलाह ले लें और पर्सनली भी आप कंपनी के बारे में जानकारी कर लें। वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। इसी के साथ दूसरी जो वीडियो नेक्स्ट वीडियो हम सीरीज बनाएंगे तो बेस्ट इंडियन स्टॉक टू बाय फॉर 2023 to 2024 के लिए ये सीरीज में बनाऊंगा। इस सीरीज में करीब 30 से 40 कंपनियों को हमने लिस्टेड किया है, तो उस सारे 40 कंपनियों के आसपास की पर डे पर एक वीडियो मैं आपको देने वाला हूँ। सभी को नमस्कार, खुदा हाफिज़, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर।